सिलेबस के बारे में जहां तक टेंशन है सिलेबस बहुत टफ है आई ऑलवेज कम अक्रॉस कि सर सिलेबस इज वेरी वास्ट यस इट इज वास्ट इफ यू डोंट नो कि व्हाट इज द सिलेबस सिलेबस में जनरल स्टडीज का सिलेबस में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि यू शुड बी हैविंग टेन प्लस टू सिलेबस टेन प्लस टू सिलेबस नाइन्थ से ट्वेल्थ तक के लेवल का आपको किताबें पढ़नी है और लेकिन आपका दिल नहीं मानता चूंकि मैं आई की तैयारी कर रहा हूं तो जनरल स्टडीज को भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टाइल में पढ़ना चाहते हैं जुएशन स्टाइल में पढ़ना चाहते हैं आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जनरल स्टडीज में आंसर लिखेंगे आपको लगता है कि ये आंसर कैसे हम कम लिखें तो जब तक आप आंसर शुरू करते हैं तब तक 200 वर्ड खत्म हो चुका होता है तो दैट्स वन बिगेस्ट प्रॉब्लम जनरल स्टडीज का स्टैंडर्ड होगा ट्वेल्थ लेवल का ही इसका मतलब आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं पीएचडी भी हैं तो वन यू आर राइटिंग आंसर फॉर जनरल स्टडीज यू हैव टू टू कम द लेवल ऑफ टेन प्लस टू वही लैंग्वेज होगी जो एनसीआर की बुक की लैंग्वेज है आपकी कॉम्युनिकेशन वही होगी आप यदि साहित्यिक प्रसन्न भी हैं तो आप उस साहित्य का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे यू विल बी राइटिंग आप वो काम नहीं करेंगे जिस प्रकार से इमरजेंसी सेवा में फ्लाइट में आप देख रहे थे कि आपको लैंड करने के लिए पूछा जा रहा है तो आप पहले आप करें टेक ऑफ कैसे करें द्वार क्या है इमरजेंसी सब सीख रहे हैं यू हैव टू वर्क ऑन दैट दिस सिलेबस इज लिमिटेड शायद जान के आपको हैरानी होगी कि जनरल स्टडीज के पेपर को जांचने के लिए स्कूल टीचर्स को बुलाया जाता है नॉट टू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चुकी उसको उस लेवल पे जांच नहीं पाएंगे वो राइट इट मीन्स यू हैव टू इन द लेवल ऑफ टेन प्लस टू इन राइटिंग एडर थिंग्स एयर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वेन आई साइ ग्रेजुएशन मीन्स इट इज ग्रेजुएशन इसलिए यदि आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो उस लेवल पर आ जाइए यदि ज्यादा है तो यू कम डाउन टू दैट यदि आपने लेवल मेंटेन नहीं किया तो यू वॉन्ट सक्सीड देयर